गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन, आई होप यू ऑल आर वेल एट योर होम। माई नेम इज एन आर जांगिड एंड आई एम पीजीटी इंग्लिश इन केंद्रीय विद्यालय आमी बनाड। डियर चिल्ड्रन, टुडे आई हैव प्रिपेयर्ड अ लेसन फॉर क्लास सिक्स्थ इंग्लिश एंड टुडे वी शैल स्टार्ट द फर्स्ट लेसन। Dear children, this story is written by Carol Moore. This is a wonderful story which has presented magical realism. Magical realism means something that is not magic but a belief. ये कोई जादू नहीं होता है, एक भरोसा होता है, एक विश्वास होता है बच्चों। A boy Patrick, who gets inspired and feels propelled to work hard by an imaginary elf. इस कहानी में बच्चों क्या होता है, एक बच्चा है जिसका नाम है पैट्रिक एंड ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग हिज होमवर्क, और उस बच्चे को इंस्पायर करा, उसको प्रेरित करा एक काल्पनिक कैरेक्टर ने, एक सुपरनेचुरल कैरेक्टर ने जिसको हम एल्फ कहते हैं। He is not only able to complete his work, rather scores high grades. And due to the inspiration of that elf, he was able to complete his homework and he also scored very good marks in his class. This story conveys the message that self-help works wonders. इस कहानी का एक ही मैसेज है बेटा कि self-help is the best help. अगर हमें किसी की ज़रूरत है, किसी की मदद चाहिए, तो सबसे अच्छा मददगार एक इंसान का वो व्यक्ति खुद ही होता है, वो इंसान खुद ही होता है। अगर हम खुद अपनी मदद करने लगें तो हमारे रास्ते में कोई परेशानी नहीं आएगी। तो प्यारे बच्चों, बिफोर वी स्टार्ट दिस स्टोरी एंड बिफोर वी रीड दिस स्टोरी, आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू वन ब्यूटिफुल वीडियो। It is a short story and it is given in Hindi so that you children can understand this story very well. So please listen carefully and watch the story. Patrick naam ka bachcha बहुत ही आलसी था। उसे अपना गृह कार्य करना बिल्कुल पसंद नहीं था। अगर बात करें खेल की तो हॉकी बास्केटबॉल वीडियो गेम उसे बहुत पसंद थे। पढ़ाई से ज्यादा उसका मन खेल में लगता था। एक दिन की बात है, पैट्रिक को एक बिल्ली दिखाई दी। उसके पास एक गुड़िया थी जिससे वो खेल रही थी। मजेदार बात ये थी कि वो कोई साधारण गुड़िया नहीं थी, वो एक बौना था। वो गुड़िया पैट्रिक को मिल गई। पैट्रिक के हाथ में आते ही वो कहने लगा, अब मुझे उस बिल्ली के हवाले मत करना। पैट्रिक ने कहा, मैं तुम्हारी बात मानूंगा, पर एक वादा तुम्हें भी करना होगा कि मेरा पूरा गृह कार्य तुम करोगे। बौना सोचने लगा कि ये क्या, मैं तो श्रापग्रस्त हो गया, पर वादा किया था तो निभाना भी था। लेकिन अब बात ये थी कि वो अकेला कुछ नहीं कर सकता था, उसे पैट्रिक की सहायता की आवश्यकता पड़ी। इसीलिए वो कभी पैट्रिक से किताब मांगता, कभी पढ़कर बताने को कहता, कभी शब्दकोश मांगता। इस तरह से पैट्रिक को पता चला कि वो पहले की अपेक्षा ज्यादा काम करने लगा है। उसे ये भी लगा कि पहले की अपेक्षा अब रात दिन काम करने के बावजूद वो चुस्त है, कोई थकान नहीं। इधर बौने का काम पूरा हो चुका था, अतः वो जाने की तैयारी में था। एक दिन मौका पाकर
वो पीछे के दरवाजे से चला गया। अब माता पिता, शिक्षक, मित्रगण सब आश्चर्य में थे पैट्रिक के बदले हुए स्वभाव से। बात ये थी कि बौने की मदद करते करते पैट्रिक ने अपना सारा काम स्वयं ही कर लिया था। सच कहा गया है, भगवान उसी की सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करता है। उम्मीद है आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, आपको मज़ा आया होगा। नाउ आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सी द लेसन। यू कैन ऑल्सो ओपन योर बुक्स एंड वन थिंग यू शुड कीप इन योर माइंड, प्लीज़ राइट द डिफ़िकल्ट वर्ड्स विच आर अंडरलाइंड इन दिस स्टोरी इन योर कॉपी। आई विल टेल यू द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। So let's start. Patrick never did his homework. Too boring, he said. Actually, he was not interested in doing his homework, and he felt that doing homework was a very boring task. He played hockey and basketball and Nintendo instead. He was very good in games. All the time he played hockey, basketball, and Nintendo is actually a video game. So he was good at also playing video games. His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. And it is true. Sometimes he did feel like an ignoramus. Ignoramus means a person who does not know much. एक व्यक्ति जिसको कुछ आता जाता नहीं है, अज्ञानी, उसको लगता था कि वास्तव में वो कुछ नहीं सीख रहा है। But what could he do? He hated homework. फिर भी उसको बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि उसको होमवर्क करना अच्छा नहीं लगता था। देन वन डे ही फाउंड हिज केट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रेब्ड इट अवे। एक्चुअली हिज केट वॉज प्लेइंग विद अ हिज केट वॉज प्लेइंग विद अ स्मॉल डॉल, सो ही टुक द डॉल फ्रॉम द केट। टू हिज सरप्राइज इट वॉजेंट अ डॉल एट ऑल बट अ मैन ऑफ द टाइनीएस्ट साइज। टाइनी मीन्स वेरी स्मॉल, एंड टाइनीएस्ट मीन्स स्मॉलेस्ट। तो बिल्ली खेल रही थी एक डॉल से और वो बहुत छोटी सी, एक्चुअली डॉल नहीं थी, वो एक छोटा सा आदमी था, एक बोना था, एक ड्वार्फ था। ही हैड अ लिटल वूल शर्ट विद ओल्ड फैशन्ड ब्रीचेज। उसने एक ऊनी शर्ट पहन रखा था और एक ट्राउजर, हाफ पेंट जैसा एक ट्राउजर पहन रखा था। एंड अ हाई टॉल हेट मच लाइक अ विच के पास, किसी शैतानी जो कैरेक्टर होते हैं उस तरह की कैरेक्टर के पास, जो चुड़ैल हम जिसको कहते हैं, उस तरह के कैरेक्टर की एक उसने टोपी पहन रखी थी, जैसी आप जोकर के यहाँ देखते हो सर्कस वगैरह में। ही येल्ड, और वो जो एल्फ था वो ज़ोर से चिल्लाया, सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट केट, आई विल ग्रांट यू ए विश, आई प्रोमिस यू दैट। तो उस एल्फ ने पैट्रिक को कहा कि मुझे उस बिल्ली से बचा लो और इसके लिए मैं आपकी एक विश पूरी करूंगी, ये मेरा वादा है। पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लक्की ही वॉज। हियर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, सो ही सेड, ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट इज 35 days, इफ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज। तो पैट्रिक वॉज वेरी हैप्पी एक्चुअली, बिकॉज ही वॉन्टेड समवन टू डू हिज होमवर्क, सो ही आस्क्ड द एल्फ टू डू हिज होमवर्क टिल द एंड ऑफ द ईयर एंड 35 days वर रिमेनिंग इन द सेमेस्टर। द लिटल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिश क्लॉथ। डिश क्लॉथ मीन्स अ क्लॉथ विद विच वी वॉश utensils, dishes in our kitchen, thrown in the hamper. He kicked his legs and doubled his fist and he grimaced and scowled and pursed his lips. Oh, am I cursed? But I will do it. अब देखिए, पैट्रिक ने एक ऐसी इच्छा मांग ली होमवर्क करने की और ये सुन के उस छोटे आदमी का चेहरा ऐसा हो गया जैसे वो बर्तन धोने का कपड़ा होता है, सिकुड़ा हुआ। He was not happy at all.
है ना, वो चिल्लाया, बोला, अपने होठों पे जीभ उसने घुमाई, लेकिन अब तो चूंकि वो वादा कर चुका था तो उसने कहा ठीक है, मैं बड़ा अनफॉर्चुनेट हूँ, आई एम वेरी कर्स्ड, बट आई विल डू इट। एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, तो उसने होमवर्क करना शुरू कर दिया पैट्रिक का। एक्सेप्ट देर वॉज वन ग्लिच, एंड एक्चुअली इन डूइंग द होमवर्क देर वॉज वन ग्लिच, देर वॉज वन प्रॉब्लम, वन डिफिकल्टी, द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो वॉट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। एक्चुअली द एल्फ डिड नॉट नो हाउ टू डू द होमवर्क, ही डिड नॉट नो इंग्लिश, मैथ्स और साइंस, एंड ही नीडेड हेल्प ऑफ समबॉडी, सो ही सेड टू पैट्रिक, हेल्प मी, हेल्प मी, ही वुड से, एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे। तो उसने मदद के लिए कहा और पैट्रिक को उसकी मदद करनी पड़ी। आई डोंट नो दिस वर्ड, द हेल्प स्क्वीक्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। मान लीजिए होमवर्क कर रहा है तो उसको कोई वर्ड समझ नहीं आता है, तो वो पैट्रिक को कहता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, गेट मी अ डिक्शनरी, यू गो एंड सी अ डिक्शनरी एंड टेल मी द मीनिंग, नो व्हाट इज़ इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाई ईच लेटर। एक्चुअली ही आस्ट पैट्रिक टू सी द वर्ड एंड ऑल्सो टेल द स्पेलिंग ऑफ दैट वर्ड। और इस तरह से आप बच्चों देख रहे हैं कि पैट्रिक को खुद काम करना पड़ रहा है मदद के तौर पे। व्हेन इट केम टू मैथ्स, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। वॉट आर टाइम्स टेबल्स, द एल्फ श्रीक्ड, द एल्फ क्राइड एक्चुअली कि आई डोंट नो टेबल्स, वी एल्व्स नेवर नीड दैट, बिकॉज उसने कहा कि हमारे एल्फ की दुनिया में तो ऐसी कोई टेबल। होती नहीं है, एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शंस, हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी। दी एल्फ आस्ट पैट्रिक टू सिट जस्ट बिसाइड हिम, जस्ट क्लोज टू हिम एंड गाइड हिम। एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, टू देम इट्स अ मिस्ट्री। सो दी लिटिल एल्फ ऑलरेडी है शाउटर जस्ट गोट लाउडर, गो टू दी लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स, एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू। अब एल्फ ने उसको कहा कि मैं हिस्ट्री नहीं कर सकता, SST नहीं कर सकता, तो तुम जाओ लाइब्रेरी में, किताबें पढ़ो और मुझे बताओ कि इसको कैसे करना है। बच्चों आप देख रहे हैं इस तरह से पैट्रिक वॉज डूइंग हिज वर्क हिमसेल्फ। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे द लिटिल एल्फ वॉज अ नेग। अ नेग मीन्स अ पर्सन हु क्रिएट्स प्रॉब्लम्स। सो द एल्फ वॉज क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर पैट्रिक एवरी डे। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रेग। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, हैड नेवर फेल्ट सो वेरी वेरी मीन्स टायर्ड। अब देखिए वो रात रात जाग के पढ़ता था, काम करता था, और उसको कभी थकावट नहीं होती थी। वेन यू डू समथिंग विद इंटरेस्ट यू विल नॉट फील टायर्ड डियर चिल्ड्रन। एंड ही वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आईज पफ्ड एंड ब्लरी। रात रात भर सो नहीं पाता था तो उसकी आंखों में स्वेलिंग आ जाती थी, उनमें थकावट दिखती थी, पर फिर भी वो स्कूल जाता था। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो। और जैसा वादा था 35 डेज होते ही वो एल्फ उसके घर से एक दिन चला गया। एज फॉर होमवर्क देर वॉज नो मोर एंड ऑल दी होमवर्क वॉज कम्प्लीट। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली, स्लाइली मीन्स सीक्रेटली एंड साइलेंटली, स्लिप्ड आउट ऑफ दी बेक डोर। वो पिछले दरवाजे से भाग गया। पैट्रिक गॉट इज एज एंड सरप्राइजिंगली वेन द रिजल्ट वॉज डिक्लेयर्ड पैट्रिक गॉट ए ग्रेड्स। His classmates were amazed, they were surprised. His teacher smiled and were full of praises. And his parents, they wondered what had happened to Patrick. Means nobody could believe on this performance of Patrick. He was now the model kid. Kid यानी बच्चा। अब वो एक सबके लिए एक आदर्श, एक मॉडल स्टूडेंट था। Cleaned his room, did his chores. Chores means the daily work which we do. वॉज चीयरफुल, नाउ ही वॉज नॉट अनहैप्पी, नेवर रूड, लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड। और ऐसे लग रहा था जैसे उसका पूरा जिंदगी जीने का तरीका ही बदल गया था। यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड द टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क।
पैट्रिक को लगता था कि उसने उस एल्फ से काम करवाया। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, बट द राइटर सेज डियर चिल्ड्रन दैट आई विल शेयर अ सीक्रेट जस्ट बिटवीन यू एंड मी, इट वॉजेंट द एल्फ। एक्चुअली वो होमवर्क एल्फ ने किया ही नहीं था, उससे होता ही नहीं था, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। सो वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी दैट सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प, वी शुड ऑलवेज डू अवर होमवर्क एंड ऑल अवर वर्क बाई अवर सेल्फ। नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस डियर चिल्ड्रन। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वॉज प्लेइंग विद, व्हाट वॉज इट रियली? सो पैट्रिक थॉट दैट हिज कैट वॉज प्लेइंग विद अ डॉल, एक्चुअली इट वॉज अ स्मॉल मैन। वाई डिड द लिटल मैन ग्रांट पैट्रिक अ विश, क्यों उसने विश दी पैट्रिक को? द लिटिल मैन ग्रांटेड हिम अ विश बिकॉज ही सेव्ड हिम फ्रॉम द कैट। व्हाट वॉज पैट्रिक्स विश? His wish was to get his homework done from the elf. In what subjects did the little man need help to do Patrick's homework? He needed his help in maths and history. Fifth question, how did Patrick help him? He helped him by getting books for him, explaining and reading things. Who do you think is did Patrick's homework, the little man or Patrick himself? Give reasons for your answer. I think Patrick himself did his homework, as elf was just propelling him to do things. It was Patrick who was reading, explaining and arranging different things and helping elf as well as to understand the things. So dear children, this is all for today. And the grammar exercises you will also do in your copy. And I will help you through the group on WhatsApp. I request you all, dear children, to like my channel, share it, comment it. आपको कुछ समझ नहीं आता है तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं. And subscribe to my YouTube channel. This is all for today. Have a good day.